Hello students, myself Gauri Shankar, Team Physics CLC Seeker. आज अपन लोग फिजिक्स इको सीरीज का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और कैलोरीमेट्री टॉपिक का, ये हमारे पास फिजिक्स इको नंबर 8 है, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. उम्मीद है कि आपका सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज, वहां पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यहां पर जीरो होगा. ये हमारे पास ऑप्शन 1 और 2 यहां पे दिखा हुआ है, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, आपका पेपर में सही है. तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट. सेकेंड नंबर, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स कैन डू मोशन ओनली, यहां पर स्थानांतरी गति होती, गैस कणों की गति केवल और केवल स्थानांतरी होती है, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. तो आंसर विल बी फर्स्ट. थर्ड, ऑल रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर पर सारी रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं. सो आंसर विल बी फर्स्ट. फोर्थ, ऑल रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर. तो यहां पर प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए. आंसर हमारे पास सेकंड आएगा. नेक्स्ट नंबर 5, द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल फॉर एन आइडियल गैस इज ऑर्डर ऑफ, इनके जो वेग की कोटि होती है ये होती है 10^5 मीटर पर सेकेंड. आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर एट STP. STP पर जो वैल्यू होती है ध्यान रखना है, जूल पर मोल पर केल्विन. कैलोरी में ये वैल्यू हमारे पास 2 आती है. आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7, रियल गैसेस PV = RT इज गिवन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करती है. आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर बॉयल्स लॉ द ग्राफ बिटवीन PV एंड V. तो PV = RT होता है तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो V और T के बीच में देखना है तो हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो इसके लिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, PV और V के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास आएगा सेकंड नंबर. क्वेश्चन नंबर 9, फॉर बॉयल्स लॉ द ग्राफ बिटवीन P एंड V, P वर्सेज V के बीच में ग्राफ क्या आएगा, P वर्सेज V के बीच में क्या आएगा, P inversely proportional to V होता है, तो P inversely proportional to V का जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो ये वाला आएगा. ठीक है, मतलब V अगर इंक्रीज होगा तो P की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर बॉयल्स लॉ द P और 1/V के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो P = RT/V हो गया, तो P proportional to 1/V x है और P हमारे पास y है, तो Y proportional to x का हमारे पास ग्राफ क्या है, आंसर विल बी सेकेंड. द नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल इन ए सिलेंडर एट 1 m³ एट टेम्परेचर 27°C एंड प्रेशर 13.8 pascal. देखो PV = NkT होता है, NkT. P कितना है, 13.8, N आपको निकालना है, K की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.38 इंटू 10^-23. PV = V हमारे पास 1 है. ठीक है, और टेम्परेचर कितना हो गया, 27 मतलब कितना हो गया, 300. ये कैंसिल, N = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10^-21, 1/3. यहां पर कितना आ जाएगा,
ये 10 आएगा, ये 13.8 है और ये 1.38 है, तो 10 बाई 3 आया इंटू 10^21, 10^3 इंटू 10^21 मतलब 3.3 इंटू 10^21 आंसर विल बी फर्स्ट। यहां पर इस ग्राफ में पीवी डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में, T1 ग्रेटर होगा या T2 ग्रेटर होगा, स्वाभाविक सी बात है जिसके लिए नीचे एरिया ज्यादा होगा, इसके नीचे एरिया ज्यादा आ रहा तो ये हमारे पास T2 की वैल्यू ज्यादा होगी, सो T1 विल बी लेस देन T2, T1 का मान T2 से छोटा होगा। 13, ये देखिए इन द गिवन डायग्राम, यहां पर देखो V अपॉन टी, यहां पर ये स्लोप θ2 है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 मतलब 1/P2 ग्रेटर देन 1/P1, क्यों? क्योंकि ये जो स्लोप आएगा वो प्रेशर को बताता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का 1/P को बताता है, ये हो गया। अब ये इधर गया मतलब P1 ग्रेटर देन P2 मतलब P2 का वैल्यू P1 से कम होगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए यहां पर POT दिया हुआ है, POT का हमारे पास जो स्लोप आएगा दैट इज इक्वल टू θ2 ग्रेटर देन, यहां पर θ1 है और ये 1/V2 ग्रेटर देन 1/V1 है, मतलब V1 विल बी मोर देन V2, V1 विल बी मोर देन V2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन ए क्लोज सिलेंडर देयर आर 60 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, तो पी ऑक्सीजन पीवी इज इक्वल टू NKT होता है, मतलब पी प्रोपोर्शनल टू N, तो पी ऑक्सीजन अपॉन पी ऑक्सीजन प्लस पी नियॉन, 60 ग्राम नियॉन गैस एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इन द सिलेंडर इज एट 30 bar, मतलब क्या हो गया, P1 V1 इज इक्वल टू N1 KT और P2V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 KT, ये हमारे पास है। अब इससे रेशियो निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना बना, ये अगर हमारे पास हो गया टोटल प्रेशर, ये क्या आ गया, टोटल प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे N ऑक्सीजन ले लेंगे अपॉन N ऑक्सीजन प्लस N नियॉन, N ऑक्सीजन प्लस N नियॉन ले लेंगे, ऑक्सीजन के लिए हमें निकालना है PO2 और ये हमारे पास कितना दिया हुआ 30, NO2 नियॉन का होता है 20, तो 60/20 कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया 3 प्लस ये होता है 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहां पर हो गया हमारे पास प्लस 2, ठीक है। और ये कितना हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कितना है 3, तो 5 से कट किया ऑक्सीजन का 2 है, सॉरी ऑक्सीजन के कितने दिए हुए हैं 2, तो 5 से कट किया 6 आ गया, तो PO2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 12 bar। नेक्स्ट आंसर आएगा 12 bar। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन इन हीलियम गैसेस ऑफ वॉल्यूम वी एट सेम टेम्परेचर टी एंड प्रेशर पी आर मिक्स देन द रिजल्ट एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर विल बी, यहां पर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हमारे टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो आंसर विल बी 2p, आंसर विल बी 2p, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 17, द गैस विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड व्हेन,
अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से गैसेस क्या हो रही हैं, एस्केप कर रही हैं। तो एस्केप कब करेंगे, व्हेन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए 18। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। हमें ऑक्सीजन गैस कणों के वर्गमात्र मूल चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ क्या हो गया, 27 है, तो 27 प्लस 273 किया तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हो गया, आ गया 300। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन m अंडर रूट 3 इंटू 8.31 और t कितना हो गया 300 अपॉन m कितना है दैट इज 32। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास लगभग लगभग जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 483 के आसपास आती है, 483। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ठीक है। 19। फॉर ए गैस एट एनी टेम्परेचर टी वी आर एम एस क्या होता है, अंडर रूट 3 RT अपॉन m होता है और वी साउंड क्या होता है, रूट गामा आर टी अपॉन एम। तो हमारे पास वी आर एम एस अपॉन वी साउंड क्या आ जाएगा, रूट 3/गामा। क्या आ जाएगा, रूट 3/गामा। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज, आर एम एस स्पीड क्या होती है, रूट 3 RT अपॉन m होता है। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एसटीपी। एसटीपी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एसटीपी का मतलब हो गया 273। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। ये क्या हो गया, डबल हो गई, v अपॉन 2v इज इक्वल टू रूट 273 अपॉन t2। ये कैंसिल, ये आ गया 1/4 इज इक्वल 273/t2। t2 हमारे पास आ जाएगा 1092 केल्विन। इसमें से हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1092 में 273 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर विल बी फर्स्ट। कौन सा आंसर आया, फर्स्ट आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। तो आंसर कितना हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 23। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको के निकालना है, ठीक है, 1/2 FRT। 1/2 F कितना होता है, 5। R कितना हो गया, 2 और T कितना हो गया, 300। कितना आ जाएगा, 1500 कैलोरी। आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 24। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर P एंड एनर्जी डेंसिटी E। प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी जो होती है हमारे पास होती है 3/2 PV और एनर्जी ई, टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी ई। ये कितना हो गया, 3P/2 या P इज इक्वल टू कितना हो गया, 2E/3। आंसर विल बी फर्स्ट। 24 हो गया। 25 की बात करते हैं आगे। 25। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एनी गैस हैविंग एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी डबल दैट ऑफ द 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो E1 ई प्रोपोर्शनल टू टी होता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, मतलब E अपॉन 2E इज इक्वल टू T1 कितना हो गया, 300 और ये हो गया हमारे पास 600। ये टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना है।
तो कितना आ जाएगा T2, देखो खत्म, ये हमारे पास T2 कितना आ गया, ये आ गया 600 केल्विन और इसमें माइनस 273 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और ये आंसर हो गया थर्ड। गामा इज इक्वल टू 9/7 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1+2/f होता है, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/f, 9/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/f, तो f इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 26 आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम इज गोइंग थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के लिए है तो ये हमारे पास क्या आया, तो डी यू की वैल्यू आएगी हमारे पास 0। अब पूछ क्या रहा है, हीट एनर्जी डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये हमारे पास 0 हो गया, तो मतलब डी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगा, डी डब्ल्यू के इक्वल आएगा। अब देखो बेटा इसमें अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन कैलकुलेट करने मतलब क्या हो गया, हम इसका डायग्राम का पूरे का एरिया निकाल लें। अब एरिया कैसे निकलेगा, अगर हमने इसको सेंटर मान लिया, ये हमारे पास हो गया मान लिया ए और ये हमारे पास हो गया बी, तो जो ए की वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी, ए की वैल्यू हमारे पास होगी यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो 30 का हाफ यहाँ से डिफरेंस कितना आया 20 आया, हाफ करेंगे तो कितना आ गया 10। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए कितना है, फिर 20 है, तो जो बी की वैल्यू आएगी ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 10। अब यहाँ पर एक चीज़ बेटा छूट गई है, यहाँ पर ये पास्कल ना होकर के यहाँ पर किलो पास्कल होना चाहिए था, किलो पास्कल मतलब के पास्कल यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर छूट गया है, ठीक है के पास्कल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पूरे का एरिया निकालेंगे, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलता हमारे पास पाई ए बी से, एरिया कैसे निकलेगा पाई ए बी से, तो पाई और ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है 10 किलो पास्कल, मतलब 10 × 10^3, और बी कितना हो गया, बी यहाँ पर है लीटर में 10 × 10^-3, तो कितना आ गया पाई ए कितना हो गया 10 × 10^3 × 10 × 10^-3, ये यहाँ पर ये आ गया, तो कितना हो गया 10 स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई जे आएगा, ठीक है आंसर विल बी थर्ड। लेकिन बेटा ये कब होता, जब यहाँ पे किलो पास्कल होता, तो ये क्वेश्चन आपका चला गया बोनस में। 28 इफ सीपीएंड सीवी डिनोट द स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास ऑफ द आइडियल गैस फॉर द मॉलिक्यूलर वेट एम, देन व्हाट बी द सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, बहुत सारे गलती कर देते हैं, ये लिख देते हैं जबकि मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास जब एम है तो हमारे पास क्या जाएगा, दैट इज इक्वल टू आर बाई एम, तो आंसर विल बी सेकंड। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर। देखो 16 ग्राम है तो मोल कितने हो गया 16/32, ये हमारे पास N1 कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 1/2, और N2 इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया 14/28, ये कितना आ गया 1/2, तो टोटल जो टेम्परेचर आ गया N1T1+N2T2/N1+N2 क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास N1 मतलब 1/2 T1+1/2 T2 और ये हो गया 1/2 कॉमन ले लो T1+T2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1+T2, दोनों ऐड कर दो 1/2 एंड 27 + 37 आएगा 62 का हाफ, सॉरी 64 आ जाएगा 774 14, और ये हमारे पास आ जाएगा 64/2 मतलब कितना हो जाएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड, सो आंसर विल बी फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, ये हमारे पास ध्यान रखना है. आंसर विल बी फर्स्ट 31. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शोज द कंजर्वेशन ऑफ, थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है. तो आंसर विल बी फर्स्ट. 32. इफ देर इज एक्सपेंशन इन द गैस, एक्सपेंशन हो रहा गैस में, देन व्हाट इज द वर्क डन, मतलब क्या है, वी फाइनल हमारे पास ग्रेटर है वी इनिशियल से, मतलब डेल्टा वी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. तो जब डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. नेक्स्ट सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेज P1 V1 टू P2 V2 एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैसे आएगा, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहा है, तो 6+2 इंटू 10^5 इंटू वॉल्यूम कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 3, तो 3 × 10^-3 ठीक है अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1200 जूल. आंसर विल बी फर्स्ट 33. 34. Consider the process on the system shown in the figure during the process, the work done by the system. यहाँ पर देखिए volume continuously increase कर रहा है, means continuously work done increase होगा. Answer will be second. Next, question number 35. The net work done in the given process. देखिए net work done in the given process, ये हमारे पास anti-clockwise है और ये हमारे पास clockwise है. Clockwise positive और anti-clockwise negative, जिसका area ज़्यादा, area positive वाले का ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, net work done will be positive. So answer will be first. Next, question number 36 देखिए, in the given figure, an ideal gas is taken through a cyclic process. Cyclic process हमारे पास है A, B, C, A. तो पहले आप इसका area निकाल लीजिए. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना हो गया, ये 200 इंटू 10^-6 ठीक है, और यहां पर कितना हो गया, ये हो गया 1 kPa है, ये आ गया हमारे पास 200, हो गया 200 इंटू 10^3 ठीक है, तो इसको कट किया जा गया 100, तो 1, 2, 3, 4 और 3, 7 एक काटा 10 बचा, कितना हो गया, ये आ गया 20, तो ये आ गया वर्क डन. J इज इक्वल टू W बाई Q होता है फार्मूला, तो W हमारे पास है 20 और Q हमारे पास है 4.8. डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 से कट करो, 8 से ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 25/6. आंसर विल बी फर्स्ट. 37. फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है P^(1 - γ) T^(γ) इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आंसर विल बी फर्स्ट. 38. इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस द हीट एक्सचेंज, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा विनिमय क्या होती है, ऊष्मा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होता एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो यहां पर क्यू का मान क्या हो गया, जीरो. आंसर विल बी फर्स्ट. 39. द प्रोसेस फॉर जनरली एडियाबेटिक प्रोसेस, साधारणतः रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, धीरे धीरे ना होकर के, धीरे धीरे किसमें होता है, आइसोथर्मल में होता है, अचानक होता है, तो रैपिडली आएगा यहां पे शीघ्रता से. आंसर विल बी सेकेंड. 40.
Temperature and pressure of the gas in the tire tube is 27 degree centigrade at 8 atm. Respectively, if the tube is suddenly burst, then calculate the final temperature. तो देखिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या आया, गामा की वैल्यू यहां पे दी है 1.5. तो P1 अपॉन P2 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू इनटू T1 अपॉन T2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये बना P1 हमारे पास क्या है, 8 ATM है 8, और ये फाइनल सडनली जब बस्ट होगा तो हमारे पास 1 ATM में आ जाएगा. 1 माइनस गामा की वैल्यू क्या होगी, 1.5 इंटू T1 कितना है, T1 पहले है 27 केल्विन, तो 27 मतलब कितना हो गया 300 अपॉन T2 आपको कैलकुलेट करना है, गामा कितना हो गया 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो 8 पावर माइनस 0.5 आया इंटू 300 अपॉन T2 पावर 1.5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 150 K. नेक्स्ट, ए डायटोमिक गैस कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/32 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1 K एंड फाइनल टेम्परेचर इज A T1 K. तो देखो यहां पर क्या आ गया, T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, ये होता है. तो T1 हमारे पास T1 है, V1 कितना है, ये V है, V पावर गामा माइनस 1 है, और T2 हमारे पास क्या है, A T1 है, और V2 क्या हो गया, V अपॉन 32 पावर गामा माइनस 1. तो ये तो हमारे पास खत्म हो गया, T1 भी गया. 1 इज इक्वल टू A 1/32 पावर गामा माइनस 1. डायटोमिक गैस है, कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है. तो डायटोमिक गैस के लिए हमारे पास गामा क्या होता है, 7/5 होता है, 7/5 माइनस 1 होगा. तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू A 1/32 पावर 2/5. तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 32 पावर 2/5. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, A की वैल्यू क्या आ गई. नेक्स्ट 42, एन आइडियल गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस टू 80 cm³ टू 10 cm³ द इनिशियल प्रेशर इज पी, देन द फाइंड इज द फाइनल प्रेशर. देखिए पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पी वी हमारे पास क्या है, 80 पावर गामा इज इक्वल टू P2 हमें निकालना है. V2 कितना दिया हुआ है, V2 हमारे पास हो गया 10 पावर गामा. तो P 80 अपॉन 10 पावर गामा इज इक्वल टू P2, ये गया P 8 पावर 5/3 इज इक्वल टू P2. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P 2³ 5/3 इज इक्वल टू P2. तो कितना आ जाएगा, P2 हमारे पास आ जाएगा 32 P. आंसर विल बी फर्स्ट.
43. In a practical ideal gas follows P square V is equal to constant if initial temperature is T and volume is V, finally becomes 3V. Then what is the final temperature? देखो हमें T और V में रिलेशन देखना है और यहाँ पे P को गायब करना है. तो P square V is equal to constant दिया हुआ है, P square V is equal to constant दिया हुआ है, P is equal to n R T upon V लिखोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, R square T square upon V square into V, ये बनेगा हमारे पास is equal to constant. मतलब क्या हो गया, T square proportional to V आ जाएगा, मतलब T1 upon T2 is equal to root of V1 upon V2. T1 हमारे पास T है, T2 आपको निकालना है और V1 हमारे पास V है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 3V हो गया. तो ये हमारे पे T2 जो आएगा that is equal to root 3 T, ये आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी सेकेंड. If the molar specific capacity of an ideal gas is infinite, अगर infinite है, इसका मतलब क्या हो गया, कहीं पर भी no change in temperature take place whether heat is taken in or taken out. यहां पर कहीं पर भी heat में कोई भी exchange, sorry, change नहीं हुआ है, ठीक है, तो answer आ जाएगा third. 45. In an ideal gas system can be brought through stage A to B for four paths as shown in the figure, then heat given to the system is minimum. हमें निकाय को दी गई ऊष्मा हमें न्यूनतम देखनी है किस में आएगी. तो देखो यहाँ पर जो भी हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा या ये प्रोसेस आ रहा या इस प्रोसेस से ऐसे आ रहे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास डेल्टा यू तो रहेगा जीरो. अब डी क्यू इज इक्वल इसका मतलब क्या हो गया, डी डब्ल्यू हुआ. तो हीट किस में मिनिमम आएगी, जब हमारे पास वर्क डन मिनिमम होगा. तो वर्क डन हमारे पास मिनिमम किस प्रोसेस में हो रहा है, ये हमारे पास ए एफ बी में हो रहा, तो आंसर आएगा फोर्थ. 46. स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशन एंड आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम टू वी वन टू वी टू इन थ्री डिफरेंट वर्क डन. तो डब्ल्यू वन किस में है, आइसोथर्मल में है. W2 आइसोबारिक है और W3 क्या है, प्योरली एडियाबेटिक है. इनके तीनों के आपको फार्मूले का ध्यान होंगे तो हमारे पास जो आइसोबारिक वाला आता है इसका सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर आइसोथर्मल का होता है और फिर एडियाबेटिक का होता है. तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट. 1/3 यहाँ पे देखो टेम्परेचर कहीं दिया ही नहीं, तो टेम्परेचर के साथ पूछ रहा है, पी वी के साथ रिलेशन दिया, मतलब पी वी पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. तो P इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी कर लें, तो आर टी अपॉन वी और v पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो क्या आ गया, t अपॉन v पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब t प्रोपोर्शनल टू v पावर 2/3. मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द बैलून क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहा है. तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर को भी इंक्रीज होना पड़ेगा. सो आंसर विल बी फर्स्ट. 48. The temperature of the gas at pressure P and volume V is 27. Keeping the volume constant, if the temperature is raised to 927 degree centigrade, then what be the pressure? तो यहां पर आपको क्या करना है, 48 में देखिए P1 upon P2 is equal to क्या करना है, T1 upon T2. यहाँ पर 27 है
ये हमारे पास क्या हो गया, P अपॉन P2 बराबर 300 हो गया, और नीचे क्या हो गया 1200, कट करो कट करो कट करो 3 4, तो P2 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4P, आंसर चेक करो 4P, थर्ड आंसर इज करेक्ट। 49, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस कंटेन इन ए क्लोज वेसल इज इंक्रीज बाय 0.5% हीटेड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर। देखो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, वही T1 अपॉन T2 करना है, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या करते हैं, T1 अपॉन T2 कर दें, मतलब P2 बटे P1 बराबर T2 बटे T1 कर दें। P2 हमारे पास है P प्लस 0.4 अपॉन 100 P अपॉन P1 की जगह P इज इक्वल टू T2 की जगह क्या हो गया T2 T प्लस 1 अपॉन T, यह आएगा। अब यहां से P से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, 1 प्लस 0.4 अपॉन 100 बराबर कितना आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन T, ये कट करो तो T इज इक्वल क्या आ गया, 100 अपॉन 0.4 कितना आ जाएगा, डेसिमल हटाओ 0 बढ़ गया, 250 केल्विन, क्या आ जाएगा 250 केल्विन, आंसर आएगा हमारे पास 250 केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 50 नंबर, 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इज कंप्रेस्ड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर दिस वन, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द एडियाबेटिक कंडीशन। देखिए पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, गामा की वैल्यू दी हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर इतना दिया है, तो पी पावर 1 माइनस गामा टी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 27 मतलब T1 हमारे पास हो गया 300 और T2 हो गया 900, तो P हमारे पास है 1 पावर 1 माइनस गामा, T कितना है 300 पावर गामा इज इक्वल टू P2 पावर 1 माइनस गामा, और T2 कितना हो गया 900 पावर गामा, तो P2 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 300 अपॉन 900 पावर गामा, ये कैंसिल, 3 3 9, पी टू पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1/3 पावर गामा, और ये 1। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारे पास था 1 1 एटीएम, तो ये 1 एटीएम हमारे पास ऐड रहेगा, 1 एटीएम ये ऐड रहेगा। अब गामा की आप वैल्यू रख लो 1.5, सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 27 × 10^5 आएगा। गैस इज कंप्रेस्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 50 N/m² फ्रॉम वॉल्यूम 10 m³ टू दिस वन, तो डेल्टा वी कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 6 m³, और प्रेशर कितना है 50, तो डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस का 300, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी करेंगे, डब्ल्यू हमारे पास क्या हो गया माइनस 300 जूल आया, और एनर्जी कितनी ऐड की जा रही है 100, तो डी यू इज इक्वल टू करना होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डी यू इज इक्वल टू क्या आया
डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, डी क्यू हमारे पास क्या है 100 है और ये माइनस का माइनस माइनस 300 तो कितना हो गया 400, तो इंक्रीज्ड बाय 400। नेक्स्ट फिफ्टी टू, द वर्क डन इन द गिवन पीवी डायग्राम इन द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस हमारे पास ये है ऐसे, तो ये कितना हुआ यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना है V और ये प्रेशर कितना है P, तो जो हमारे पास W आएगा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू V, आंसर विल बी फर्स्ट। फिफ्टी थ्री, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, तो यहां पर देखो ये हमारे पास कैसा है ये क्लॉकवाइज है ये पॉजिटिव और ये कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज है ये है नेगेटिव। अब इसका एरिया देखेंगे ये एरिया आया ये एरिया हमारे पास आया ये वाला एरिया सेम आएगा क्यों क्योंकि यहां से यहां तक ये कितना है ये 2p है यहां से यहां तक क्या है सॉरी ये p है p जीरो और ये भी हमारे पास क्या है p जीरो और जो ये है ये भी कितना हमारे पास v जीरो है और ये भी हमारे पास v जीरो है तो ये एरिया हमारे पास किस में आएगा निगेटिव में आएगा और भैया ये वाला जो एरिया आएगा वो आएगा पॉजिटिव में दोनों के एरिया अगर ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो गया जीरो तो वर्क डन हमारे पास क्या आएगा जीरो तो 53 का आंसर हो जाएगा फोर। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं मान लो क्यू कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बात ध्यान रखनी है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर वन मोल ऑफ डायटोमिक गैस फ्रॉम 20 टू 25 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो यहां पर आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ही ध्यान रखना है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए हमारे पास जो Q का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, तो Q हमारे पास क्या हो गया दैट इज इक्वल टू एन कितना है हमारे पास वन मोल है वन मोल और ये कितना हो गया 5/2 आर सी पी की वैल्यू और डी टी कितना होगा चेंज इन टेम्परेचर हो गया 10 × 10 ये कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 25 R। फिर अपने को निकालना है क्यू डैश ये हमारे पास किसके लिए है मोनो के लिए मोनो फिर डायटोमिक के लिए लेना है फिर वन मोल ऑफ डायटोमिक है तो वन मोल मतलब n की जगह हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया और cp की जगह क्या हो गया डायटोमिक है मतलब 7/2 R और डेल्टा t कितना है यहाँ देखिए 5 है × 5 तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका 35/2 R। अब इसका रेशियो देखना है अपने को तो रेशियो जब देखेंगे तो हमारे पास Q डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी Q डैश अपॉन Q देखो 35 R/2 / 25 R R से R कैंसिल या आ जाएगा 35/50 कितना आ जाएगा 7/10 और ये इधर चला गया तो Q डैश इज इक्वल क्या हो गया दैट इज इक्वल टू 7/10 Q आंसर विल बी 4। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन हो गया बस बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि दाब नियत है दाब क्या है नियत है मतलब आपको सीपी यूज करना है नेक्स्ट
55. The temperature at which the RMS velocity of oxygen molecule is equal to that of the nitrogen molecule. Oxygen molecule ki RMS velocity कौन से टेम्परेचर पर? नाइट्रोजन के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और वो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ये निकालना है, तो इसके लिए हमने मान लिया सपोज वो टी है. तो देखो लगाओ फार्मूला, वी आरएमएस फॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू वी आरएमएस फॉर नाइट्रोजन इक्वल है, ये कितना होता है रूट 3 RT/m. ऑक्सीजन के लिए हमारे पास कितना हो गया 32 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT. टी कितना हो गया हमारे पास 100 + 273. नाइट्रोजन कितना हो गया 28. ये कैंसिल कर दो. अब दोनों साइड से आपने स्क्वायर रूट हटा दिया तो ये कितना आ जाएगा T/32 इज इक्वल टू 373 कितना आ गया 373/28. कट करो 7. T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 373/8/7. इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे आ जाएगा 426.3 के. आंसर विल बी सेकंड 56. द ग्राफ प्लॉट बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. इधर प्रेशर है इधर वॉल्यूम है. आपको बताना है कि ये जो ग्राफ है ए वाला और जो ये बी ग्राफ है, बी ग्राफ कौन सा है ये वाला, ये कौन सा आइसोथर्मल है कौन सा एडियाबेटिक है. तो अब आप ध्यान से देखिए, जिसमें स्लोप कम होता है वो आइसोथर्मल होता है और जिसमें स्लोप ज़्यादा होता है वो एडियाबेटिक होता है. तो यहाँ पर स्लोप कम किस में है, ए वाला हमारे पास क्या है दिस इज आइसो और बी वाला हमारे पास क्या है दिस इज एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है. तो ए इज आइसोथर्मल एंड बी इज एडियाबेटिक. आंसर क्या आ जाएगा सेकंड. जिसमें बेटा ढाल कम होती है वो हमारे पास क्या होता है समतापी प्रक्रम होता है और जिसमें ढाल ज्यादा होती है वो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है. तो यहां पर ए हमारे पास समतापी है, ए का ढाल कम है और बी का ढाल ज्यादा है. तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 57. क्या कह रहा है, Cp-Cv इज इक्वल टू ए फॉर हाइड्रोजन गैस एंड Cp-Cb इज इक्वल टू बी फॉर ऑक्सीजन गैस, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. Cp एंड Cv मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. यहाँ पे एंड ये थोड़ा मिस हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो हमेशा ये जो भी वैल्यू होती है R के इक्वल होती है. Cp-Cv इज इक्वल टू R, इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या रहेगा B के इक्वल रहेगा, मतलब A इज इक्वल टू B. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट. फिफ्टी एट देखिए, हीट सप्लाइड टू ए डायटोमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द रेशियो ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा W. देखो डेल्टा क्यू क्या होता है, म्यू सीपी डीटी होता है, डीयू क्या होता है, डीयू होता है म्यू सीवी डीटी होता है, और डीडब्ल्यू क्या होता है म्यू आर डीटी होता है. सीपी कौन सा है हमारे पास, डायटोमिक गैस है, तो यह आ जाएगा म्यू इंटू 7/2 आर डी टी. सी वी कितना होता है, ये होता है 5, मतलब डी यू हमारे पास आ जाएगा म्यू इंटू 5/2 आर डी टी, और डी डब्ल्यू हमारे पास है. अब इन तीनों का रेशियो देख लो क्या आ जाएगा रेशियो,
7/5 2, ये 7/2 है, ये हमारे पास 5/2 है, du और dw कितना है, म्यू आर dt है, मतलब ये हमने इसमें ऐसे कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर, 2 सबका कैंसिल होगा, तो 7/5 2 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट 59 देखो, ए मोल, ए वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड एडियाबेटिकली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सच दैट इट्स टेम्परेचर टी प्रोपोर्शनल टू 1/√V द वैल्यू ऑफ द एडियाबेटिक कॉन्स्टेंट, मतलब आपको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, गैस के लिए रुद्धोष्म मृतांक का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको गामा कैलकुलेट करना है। तो देखो बेटा, यहां पर आ गया टी V पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू RT होता है वन मोल के लिए, तो यहां पर जो V की वैल्यू है, जो T की वैल्यू है, T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV अपान R लिख सकते हैं, तो T की जगह क्या लिख दो, PV अपान R, और V पावर 1/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो क्या बना, पी वी पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको मालूम है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कंपेयर कर लो तो गामा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, मीन्स आंसर आ गया 1.5, सो आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, एन आइडियल गैस इनिशियली एट टेम्परेचर टी एंड वॉल्यूम वी, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय डेल्टा वी ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर डेल्टा टी, देन द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब ये जो क्वांटिटी है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी वेरीज एज टेम्परेचर, तो देखो यहां पर ये किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, यहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारे पास ये क्वांटिटी है, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, और टेम्परेचर के साथ देखना है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा आंसर ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, मतलब डेल्टा इंटू टी, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये कांस्टेंट टर्म बनेगा, तो डेल्टा टी कांस्टेंट जो आया तो हमारे पास क्या बना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 61, नेक्स्ट फिगर शोज टू प्रोसेस फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इफ प्रेशर इन वन इन स्टेट वन इज P1, यहां पर हमारे पास प्रेशर क्या है, P1 है, एंड स्टेट टू यहां पर P1 है, और स्टेट टू में क्या है, P2 है, स्टेट टू में क्या है, P2, यहां पर P2 है, तो यहां पर देखो हम लोग कैसे इसको चेक करेंगे, हम लोग एक यहां से ओरिजिन से एक ऐसे स्लोप देखेंगे, तो एक स्लोप यहां से देख लिया, ये हमारे पास है θ1 और ये हमारे पास है θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1 है, θ2 ग्रेटर देन θ1 है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जिसके लिए एंगल कम होगा उसके लिए पी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब ये 1/P1 आएगा, 1/P2 ग्रेटर देन 1/P1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, P1 ग्रेटर देन P2, तो यहां से आ जाएगा P1 ग्रेटर देन P2, आंसर विल बी फर्स्ट। यहां पर जो बेटा ढाल है, ढाल देखिए ये किए है, ये P1 के लिए है, और यहां पर ये ढाल है P2 के लिए है, जिसका ढाल कम होता है उसके लिए प्रेशर ज्यादा होता है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट गामा ऑफ गैस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो
गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/f, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाता है 2/γ-1, आंसर विल बी थर्ड, ये हो गया आपका 62। क्वेश्चन नंबर 63, इन एन एडियाबेटिक चेंज द प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी ऑफ ए मोनोटॉमिक गैस आर रिलेटेड एस पी प्रोपोर्शनल टू टी पावर सी वेयर टी वेयर सी इज इक्वल टू। देखो हमारे पास जो एडियाबेटिक के लिए मतलब जो रुद्धोष्म परिवर्तन के लिए जो फार्मूला होता है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं आर टी अपॉन वी, और ये हो गया वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से क्या आ गया टी वी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर आपको वॉल्यूम के साथ देखना है, ये हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ आ गया, आपको किसके साथ देखना है प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, मतलब हमें वॉल्यूम को हटाना है, वॉल्यूम को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे आर टी अपॉन पी लिखेंगे, तो पी की जगह हमने क्या लिख दिया आर टी V की जगह हमने क्या लिख दिया आर टी अपॉन पी, तो यहां पे रखो P R T अपॉन T पावर गामा अपॉन P पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये क्या बना P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमारे पास ये टर्म है, ये याद भी रखना है आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब देखिए इसके बाद यहां से अगर आप देखो तो ये क्या हो गया P पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T पावर माइनस गामा, तो P इज इक्वल टू T पावर माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये आ गया, और यहां पर क्या कह रहा है P ये प्रोपोर्शनल साइन है P प्रोपोर्शनल टू T पावर C कह रहा है, मतलब C इज इक्वल टू है माइनस का गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है 5/3 होती है, माइनस 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3, तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस 5/3 अपॉन माइनस 2/3, 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया आंसर विल बी 5/2। आप डायरेक्ट याद रखना ये फार्मूला तो आपको जल्दी मालूम हो जाएगा, जल्दी आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट 64, द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर दिस वन 1 × 10⁵ इज 200 m/s इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रिस्पेक्टिवली 127 एंड 0.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन न्यूटन मीटर पावर माइनस टू, यहाँ माइनस टू छूट गया है ठीक है, हालांकि इसको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वर्गमान मूल मान का वेग का मान क्या होगा। देखो हमारे पास केवल और केवल हमें क्या देखना है V प्रोपोर्शनल टू रूट टी, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, सो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2, V1 हमारे पास पहले है 200 अपॉन V2 आपको कैलकुलेट करना है, और पहले टेम्परेचर हमारे पास क्या था 27 है, मतलब ये हो गया 300 अपॉन ये है 127, मतलब ये क्या हो गया 400, ओके तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 4, तो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा 400 अपॉन √3
meter per second, answer will be first. Next question आते हैं 65. देखिए PV diagram of an ideal gas has shown in the figure. Work done by the gas in this process A, B, C, D. दिए गए PV आरेख में आदर्श गैस द्वारा A, B, C, D प्रक्रम में A, B, C, D प्रक्रम में हमें कार्य निकालना है. तो क्या करना है आपको, ये एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है. अब ये एरिया कैसे निकले, तो देखो यहां पर आप दो पार्ट कर लो. एक आपने ये निकाल लिया, ये एरिया कितना आ जाएगा, यहां पर P0 है और यहां पर ये क्या हो गया V0, तो P0 V0 आ गया. और इसका एरिया निकाल लो ये वाला, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहां पर हो गया P0 और यहां से यहां तक क्या हो गया 2V, तो 2P0 V0, ठीक है. और ये हमारे पास कैसा है, क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव आएगा, तो 3P0 V0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे. आंसर विल बी थर्ड. 66. फाइव पार्टिकल्स हैविंग ए स्पीड 1, 2, 3, 4 and 5 मीटर पर सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज. हमें क्या करना है, पांच कणों की चाल दी है, इनकी औसत चाल ज्ञात करनी है. तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे. तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5 कितना आ जाएगा, 15 / 5. आंसर विल बी 3. आंसर क्या आ गया, फर्स्ट. A rigid tank contains 35 kg of nitrogen at 6 atm. Sufficient quantity of oxygen is supplied to increase the pressure to 9 atm. While the temperature remains constant, amount of oxygen supplied to the tank, यह हमें calculate करना. एक दर टैंक में 6 atm पर 35 kg nitrogen भरी हुई है और दाब को 9 atm तक बढ़ाने के लिए oxygen की पर्याप्त मात्रा भरी जाती है. तो तापमान स्थिर रखना है, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखो बेटा, हमारे पास P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, P2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT अपॉन V, ठीक है. अब इन दोनों का अगर रेशियो हम लोग ले लें, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये बनी बात. अब P1 हमारे पास क्या है, पहले है 6 atm और फिर हो गया 9 atm. N1, N1 कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, ये 35 है, तो 35 अपॉन 28 अपॉन, फिर क्या है, अभी N1 ही लेना है, तो 35 अपॉन 28 प्लस, इसको हमने मान लिया कि ये हमारे पास ऑक्सीजन की बात हो रही है, अपॉन 32 मास ऑफ ऑक्सीजन लेना है. इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 का इधर होगा. इसको सॉल्व करने के बाद आप निकालेंगे, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन का जो भी मास आएगा, वो हमारे पास आएगा कितना आएगा, 20 किलोग्राम आएगा. आंसर विल बी थर्ड. 67. The temperature of the gas is doubled on the absolute scale and on degree centigrade scale. तो किसमें टेम्परेचर, यहाँ पर द इंक्रीज इन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू है हमारे पास किसके, टेम्परेचर के. अब मान लिया हम एब्सोल्यूट स्केल की बात करेंगे, एब्सोल्यूट स्केल, तो V प्रोपोर्शनल टू रूट टी, V प्रोपोर्शनल टू, ये टेम्परेचर बढ़ गया, ये V1 है, ये V2 है. अब अगर हम लोग सेल्सियस की बात करें, डिग्री सेल्सियस वाली सेंटीग्रेड स्केल की, तो यहाँ पर V1 प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ
टी प्लस 273 और वी टू प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ये हो गया 2t प्लस 273। तो अब आप देखो कि इसमें वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है तेजी से और इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो मोर इन फर्स्ट केस। 69, द रेशियो ऑफ द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, द्विपरमाणवी गैस के औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा एवं घूर्ण गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये होती है हमारे पास 3/2 RT, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और डायटोमिक के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास मान लिया के ट्रांसलेशनल और ये क्या हो गया के रोटेशनल, ये होता है 2/2 क्योंकि दो हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इन दोनों का जो रेशियो लोगे तो हमारे पास ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 3/2, आंसर विल बी 4। Which of the following statements is not according to the postulates of the kinetic theory of gases? अब यहां पर देखो उल्टा क्वेश्चन पूछा गया, not according to, तो इसमें पहला क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज, होता ही है, खत्म बात, ये तो सही है। गैस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन मोशन इन ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, बिल्कुल सही है। देर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है, कोई बल नहीं होता, सभी समूह दिशाओं में गति करते हैं। यहां पर देखो क्या है, ऑल कोलिजन आर इनइलास्टिक, अप्रत्याशित टक्कर है, जबकि होता क्या है, प्रत्याशित टक्कर होती है, आपको गलत ढूंढना है तो गलत हमारे पास कौन सा हो गया, आंसर विल बी 4। 69, इफ आरएमएस स्पीड ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल of the gas at room temperature is 500, then the RMS speed of the hydrogen molecule at the same temperature. कमरे के ताप पर नाइट्रोजन के अणुओं के वर्गमान मूलचाल दी हुई है 500, उसी ताप पर हाइड्रोजन के अणुओं के वर्गमान मूलचाल आपको निकालने हैं। तो देखो टेम्परेचर सेम है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होता है, तो V पहले क्या दिया है, नाइट्रोजन, V नाइट्रोजन अपॉन V हाइड्रोजन इज इक्वल टू अंडर रूट एम नाइट्रोजन इंटू एम हाइड्रोजन। एम नाइट्रोजन क्या दिया है, वी नाइट्रोजन ये दिया है 500, वी हाइड्रोजन आपको कैलकुलेट करना है, एम हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ये हो गया 28, 2 14। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे 14 का, तो लगभग लगभग हमारे पास 4 के आसपास आएगा, ठीक है, 4 से कम ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 1870 के आसपास आता है, कैलकुलेशन कर लोगे आप, कोई समस्या नहीं। 72, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 27 to 927, द आरएमएस स्पीड V प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो V अपॉन V डैश इज इक्वल अंडर रूट 27 प्लस 273 अपॉन 927 प्लस 273, तो V अपॉन V डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 1200, ये कैंसिल कर दो, हमारे पास V ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 2, V डैश इज इक्वल टू 2V, मतलब कितना आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट 73, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है, जिसके लिए मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसके लिए वेलोसिटी सबसे ज्यादा, तो सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 74, ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वॉल्यूम वी
there are n molecules having r of gas having randomly, if m is the mass of each of the molecule and v square is the mean square of x component of the velocity, then what is the pressure of the gas. तो देखो यहां पर x component दिया है, तो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा, सारे के सारी velocity same होंगी, तो यह होता है 1 by 3 m n upon v, और ये हम अगर वेलोसिटी सी मान लें तो सी स्क्वायर, तो उसकी जगह हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कंपोनेंट दिया है वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा थ्री स्क्वायर, तो एम एन अपॉन वी इंटू थ्री वी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया थ्री से थ्री, तो हमारे पास आंसर आ गया सेकंड. बेटा ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, जल्दबाजी में बच्चे वही कर देते हैं. आंसर विल बी सेकंड 75. The gas exert pressure on the wall of the container because the molecules. देखो सीधी सी बात है, pressure कब exert करता है, जब gas molecules wall से टकराते हैं. wall से टकराने के बाद वहां पे momentum change होता है, जब momentum change होगा तो rate of change of momentum exerts the force and force per unit area is known as the pressure. तो क्या आएगा आंसर, कोलाइडिंग विद द वॉल एंड ट्रांसफरिंग द मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट क्वेश्चन 76. द वैल्यू ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर टी ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डायटोमिक गैस. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर हमने क्या बताया था कि रोटेशनल इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, डायटोमिक है तो हमारे पास 2 आ गया, 2 बाई 2 आर टी, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, आंसर इज इक्वल टू आर टी. फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. 77. एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इवन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 327. देन व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी. तो देखो ई प्रोपोर्शनल टू टी होता है, ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू. टी वन अपॉन टी टू, टी वन कितना हमारे पास, यह है 300 और ये हो गया हमारे पास 600. 1 2 कितना आ गया, ई टू इज इक्वल टू 2 E1 आएगा, सो आंसर विल बी जस्ट 2 टाइम्स ऑफ E1. आंसर विल बी फर्स्ट. इंटरनल एनर्जी ऑफ द एन आइडियल गैस. इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी दैट इज ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इसीलिए इसको यूनिक फंक्शन भी बोला जाता है. तो आंसर विल बी सेकेंड, केवल ताप पर निर्भर करती है, अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन. 79. एलॉन्ग विच ऑफ द थर्मोडाइनमिक पाथ सोन द फॉलोइंग फिगर द हीट गिवन इज मोर. हीट गिवन इज मोर, यहां पर देखो बात ध्यान रखने वाली है कि इधर हमारे पास प्रेशर है और इधर वॉल्यूम है, समझ रहे हो. तो इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंज हमारे पास, चाहे हम क्यू इससे जाएं या इस पाथ से जाएं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम रहेगी. अब देखो यहां पर ये, अगर ये इधर पी होता इधर वी होता तो हमारे पास क्या बनता, तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब जिसमें वर्क डन ज्यादा होता, मतलब जिसका एरिया ज्यादा होता उसके लिए हीट ज्यादा होती. अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है, जिसका एरिया कम होगा उसके लिए हीट ज्यादा होगी, उसके लिए वर्क डन ज्यादा होगा. क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बेटा इधर है. तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगा क्यू बी विल बी मोर देन क्यू ए. आंसर विल बी सेकंड. ध्यान रखना इधर हमारे पास आयतन है और इधर दाब है. अगर यही क्वेश्चन पलट जाता, इधर होता P और इधर होता अगर V, ठीक है, तब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता. लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमने प्रेशर किधर लिया है और वॉल्यूम किधर लिया है. यहां पर बेटा ये जो 5 है ये भाई डिफॉल्ट आ गया है कहीं से. सपोज ए कंटेनर इज evaluated to leave just one molecule की बात हो रही है, of a gas
इन इट लेट वी एम पी एंड वी एवरेज रिप्रेजेंट, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ठीक है, अधिकतम प्रायिक चाल और औसत चाल को बताते हैं। तो यहाँ पर जब एक ही मॉलिक्यूल है तो वही उसी की चाहे एवरेज वेलोसिटी ले लो या हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ले लो, दोनों सेम रहेंगे तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां पर अगर डेल्टा यू इज ऑलवेज जीरो व्हेन नो हीट इंटर्स एंड लीव्स द गैस, डेल्टा यू इज द वर्क डन बाय द गैस इन दिस सिस्टम नो, डेल्टा यू इज जीरो व्हेन हीट इज सप्लाइड एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। डेल्टा यू की बात कर रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, तो आंसर विल बी थर्ड। इन द प्रॉब्लम वर्क डन अलोंग द पाथ बीसी, बीसी के अनुदिश किया गया कार्य क्या होगा, बीसी के अनुदिश, ये यहां पर जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहां पर है, तो डेल्टा वी यहां पर क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां से यहां तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होता है, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज रिटन ई इज इक्वल टू 3 PV, यहां पर जो ई है, ई क्या है, ये होता है बेटा औसत स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आंसर विल बी थर्ड। फॉर्मूला है, ध्यान रखना है डायरेक्टली। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड द सेम यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे कौन कौन सी यूनिट का सेम है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में आप पढ़ चुके हो, तो यहां पर हमारे पास आता है एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, ये दोनों की जो मात्रक है सेम यूनिट है वो हमारे पास सेम रहता है, तो आंसर विल बी थर्ड। 85, थ्री लिक्विड्स हैविंग मास m1 m2 m3 आर थॉरली मिक्स इफ द स्पेसिफिक हीट आर s1 s2 एंड s3 टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 रिस्पेक्टिवली देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर हमने क्या मान लिया कि हमारे पास टोटल टेम्परेचर हो गया T, तो टोटल हीट कितनी हो गई m1 s1 थीटा 1 फिर m2 s2 थीटा 2, फिर देखो ये वाला तो होने वाला है नहीं ना, ये वाला होगा, ठीक है, यहां पर देखो नीचे थीटा दिया है तो ये भी नहीं होगा, यहां पर हमारे पास थीटा ऊपर आ रहा है, मतलब ये होना चाहिए टोटल हीट अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2 प्लस m3 s3, आंसर हो जाएगा सेकंड। 4 degree centigrade weighing 3.5 kilogram falls from a height of 2000 meter on a snow mountain at 0 degree centigrade if the temperature of the object just before hitting so is 0 degree centigrade, then object come to rest immediately, then latent heat of ice is given, then what be the object will melt, मतलब कितनी बर्फ कितनी वस्तु पिघलेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर कैसे लगाएंगे, mgh सारा कुछ देखो जूल में दिया हुआ है आपको, कहीं पर कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। mgh इज इक्वल टू m डैश इंटू l, m कितना है 3.5 है, g कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 10, h कितना हो गया, ये हो गया 2000, इज इक्वल टू m डैश, l कितना दिया हुआ है 3.5 इंटू 10^5, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1, 2, 3, 4 ये सब कैंसिल, कितना आ गया 10 आ गया, तो m डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 2/10 किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या हो गया
200 ग्राम, क्योंकि जितनी भी ये हीट देगा ऊपर से गिर रहा है और यहाँ पे आइस कितनी मेल्ट होगी ये आपको देखना है, ये अपनी हीट सारी की सारी इस आइस को दे देगा तो कितनी आइस मेल्ट होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल लगेगा। तो आंसर विल बी थर्ड। एट्टी सेवन, व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड तो क्या करेगा, लिक्विड में कब कंडेंस होता है, जब वाष्प द्रव में संघनित होती है तो क्या होता है, ऊष्मा को लिब्रेट करता है, ऊष्मा को निष्कासित करता है। आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, व्हेन आइडियल डायटमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। देखो यहां पर जो Q था वो हमारे पास क्या था, डायटमिक है, सेवन अपॉन टू आर टी, और जो डी यू था वो कितना था, ये था 5/2 आर टी। तो ये इसका कौन सा पार्ट है, 5/7 पार्ट है। आंसर हो जाएगा 5/7, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, रिफर टू द प्लॉट टेम्परेचर वर्सेस टाइम शोइंग द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ आइस ऑन द हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से आपको बताना है नीचे दिए गए ग्राफ में ताप तथा समय में परिवर्तन दर्शाया गया है, बर्फ को गर्म किया जा रहा है, अवस्था परिवर्तन को बताता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो यहां पर सीओडी, यहां पर देखो यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब ये हमारे पास आ गया, उसके बाद फिर आगे चल रहा है, तो यहां पर क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर की बात हो रही है, सीडी उबलने की बॉइलिंग को प्रदर्शित करता है। आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल गैस विल बी नॉन जीरो, विल बी नॉन जीरो, जो जीरो ना हो। भाई काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी जीरो हो सकती है, कोई मोशन ही नहीं हो रहा, यहां पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी विल बी नॉट जीरो। तो इस प्रकार बेटा ये आपका पूरे 90 क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। उम्मीद है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई जा सकती, इन क्वेश्चन को एक बार आप फिर से निकालिए, जिसको अगर कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज जिसने कर लिया है वो अच्छी बात है, गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय जय सेल्स।